It is easier to cut with a sharp knife than blunt knife. Why? किसी भी चीज को जब हम कट करते हैं शार्प नाइफ के द्वारा तो वो इजी होता है इन कंपैरिजन ऑफ ब्लंट नाइफ. रीजन क्या है इसके पीछे? प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन एरिया. अगर एरिया कम होगा प्रेशर ज्यादा लगेगा, अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा. ड्यू टू द वेरी स्मॉल एरिया ऑफ द कटिंग एज ऑफ शार्प नाइफ इवन अ स्मॉल फोर्स विल एक्सर्ट अ वेरी हाई प्रेशर. मतलब हमारे पास जो शार्प नाइफ होगा उसका स्मॉल एरिया होगा और उसके अंडर जो है जो भी हमने रखा है, जैसे मान लो हमने कोई एप्पल रखा है तो एप्पल का हमारे पास स्मॉल एरिया टच में आएगा, मतलब इन कॉन्टेक्ट में आएगा शार्प नाइफ के, तो वहाँ पे इवन हम स्मॉल फोर्स अप्लाई करेंगे और हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा. दिस हाई प्रेशर हेल्प अस टू कट एन एप्पल और एनी अदर ऑब्जेक्ट इजिली. और जो ये हाई प्रेशर की सहायता से हम किसी एप्पल या किसी और ऑब्जेक्ट को इजिली कर सकते हैं. इन केस ऑफ ए ब्लंट नाइफ द एरिया ऑफ द कटिंग एज इज लार्ज एंड हेंस लार्ज फोर्स हैज टू बी अप्लाइड टू एक्सर्ट अ प्रेशर रिक्वायर्ड टू कट अ एप्पल. अब क्या होगा, ब्लंट नाइफ के केस में हमारे पास जो एरिया ज्यादा आएगा तो वहां पर क्या है, हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी to cut the apple.